हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल द सिविल इंजीनियर हाउस प्लान एंड डिज़ाइन। सो आज हम देखने जा रहे हैं 20x50 का प्लॉट जो है उस पे फुल कंस्ट्रक्शन साइट पे जो अपन ने काम किया है उसकी सारी पिक्स हम आपको शेयर करेंगे, जिसमें आपकी कॉलम बीम की ड्राइंग हो गई है। उसके बाद फिर अपने एक्चुअल साइट पे जो अपने कॉलम फुटिंग हुई है वो पिक्चर शेयर करेंगे हम आपको, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल, टाइल्स, कलर, सारी पिक्चर हम देंगे। सो अपन देखते हैं, अपन ने पॉइंट से सब डिस्क्राइब कर रखा है, उसके बाद फिर अपन ने पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप शो कर रखा है। सो हम देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ कॉलम ऑफ देयर फिक्स पोजीशन, वाटर टैंक ऑफ सेफ्टी टैंक डिटेल्स देखेंगे, ड्रेनेज लाइन सिस्टम देखेंगे, मोरम फिलिंग एंड कंप्रेशन मोरम, प्लिंथ अकॉर्डिंग टू प्लान लेआउट, किस तरीके से अपन प्लान के हिसाब से अपन साइट पर लेआउट को अपन शो करते हैं, फिर लिंटल हाइट्स हो गई अपनी, स्टील एंड स्लैब कास्टिंग हो गई है, फिर इलेक्ट्रिक एंड एयर सैनिटरी फिटिंग्स हो गई उसी में, प्लास्टर, टाइल्स, कॉलर, फैब्रिकेशन वर्क, डोर, लाइट एसेसरीज, नल फिटिंग्स, इंस्टॉलेशन ऑफ वॉलपेपर अदर एंड अदर वॉशिंग हाउस, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टील रेलिंग ग्लास जो लास्ट में अपने कंप्लीट होता है। सो आओ हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्लान से। जो आपने देखा अपना प्लान, अपना 20x50 का प्लान जो है ये देख रहे हो, इसके कॉलम सेंटर लाइन पोजीशन दे रखी है अपन ने, ये जो दिखा रखा है इसमें दे रखा है अपन ने, इसके आउटर से सेंटर 5 फीट 4 इंची, सेंटर से सेंटर 4 फीट 4 इंची, सेंटर से आउटर 14 फीट 8 इंची। उसी प्रकार जैसे आउटर से सेंटर चलेंगे कॉलम का तो 12 फीट 2 इंची, 11 फीट 10 इंची, 12 फीट 4 इंची, 9 फीट 4 इंची, 3 फीट 10 इंची दे रखा है। इसी प्रकार जैसे सेंटर वाले कॉलम का अपने को पोजीशन निकालना है तो सेंटर आउटर से सेंटर पे जाएंगे 5 फीट 4 इंची, जैसे इस कॉलम की अपने को पोजीशन निकालना है तो सेंटर से गए, आउटर से गए अपन सेंटर पे 5 फीट 4 इंची और टॉप से लेके सेंटर से आए 12 फीट 2 इंची। उसके बाद यहाँ से अपना एक सूत डाला, अपना स्ट्रेट लाइन डाली अपन ने, उसके बाद अपने को ये वाले कॉलम की पोजीशन चेक करना है, इस वाले कॉलम की पोजीशन चेक करना है। तो अपन क्या करेंगे, एक 12 फीट 2 इंच पे खींचेंगे, एक 5 फीट 10 इंच और 4 फीट 4 इंच के बाद ये लाइन खींचेंगे। इस लाइन को अपन स्ट्रेट करते हैं तो इसमें अपन ने देखा रखा है जो स्ट्रेट लाइन है उससे शिफ्ट है अपना कॉलम 6 इंची। इसी प्रकार इस वाली लाइन को अपन सेंटर लाइन खींचते हैं तो इससे अपन देख रहे हैं इससे कॉलम 6 इंच ऊपर है। सो यही इसी प्रकार से अपन एक्चुअल साइड पर देखेंगे किस तरीके से अपना कॉलम पोजिशन होता है। और इसी में अपन ने दे रखा है कॉलम C1 और C2। कॉलम C1 की साइज़ दे रखी है अपन ने 8x12, जिसमें अपन ने 4 नंबर ऑफ 12 mm के दे रखे हैं, 8 mm की रिंग बना रखी है, 7 इंच सेंटर टू सेंटर दे रखा है। और एक कॉलम है अपना C2 जो है 8x12 का, एक कॉलम C1, एक कॉलम है C2, इसमें दे रखा है 8x12 का कॉलम, इसमें अपन ने सरे दे रखे हैं 12x6। चलो आओ फिर इसी प्रकार अपन ने फुटिंग 1 फुटिंग 2, एक जो छोटा वाला कॉलम है उसके लिए अपन ने 3x3 की फुटिंग दी है और बड़ा वाला कॉलम है उसके लिए अपन ने 3.5x3.5 की दे रखी है। और 3x3 में एक्सीवेशन हो जाएगा 3.5x3.5 का और 3.5x3.5 की जो फुटिंग दे रखी है उसका एक्सीवेशन हो जाएगा 4x4 का। जो दे रखा है उसका जाल बन जाएगा 10 mm से 6 इंच सेंटर टू सेंटर। और देख रहे हैं आप ये कॉलम का सेक्शन है, इस तरीके से अपन इसकी डिटेल करते हैं। अब ये तो अपनी हो गई ड्राइंग की बात, इसके बाद फिर अपन आते हैं एक्चुअल साइड पे अपने कॉलम पोजीशन कि किस तरीके से अपन कॉलम सेंटर से स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन। जैसे हम देख रहे हैं इसका पॉइंट अपना सेंटर लाइन विद कॉलम, जैसे अपन ने आउटर में एक पूरा सूत बांधा अपना 20x50 का प्लॉट है, 20 के एक आउट लेफ्ट एंड राइट में, जैसे अपन ने लेफ्ट में डाला है तो आप देख रहे हो लेफ्ट में अपन ने डाला ऊपर से सावल गिराया हुआ है, ऊपर सावल गिरा है तो नीचे इसको प्लम्ब आउट को पूरा सेट कर रहा है वो कि कहाँ पे उसका पॉइंट आएगा। ऐसे ऊपर से पॉइंट गिरा के अपन ऐसे 3 जगह पॉइंट बना लेते हैं, पॉइंट बना लिया, पॉइंट बनाने के बाद क्या अपने को एक स्ट्रेट लाइन पता चल गई कि अपने को ऊपर से स्ट्रेट लाइन आ गई। उसके बाद अपन अपनी कॉलम की रिंग जो है अपनी कॉलम की रिंग रख देते हैं प्लस उसका कवर छोड़ देते हैं तो इस प्रकार से पूरा कॉलम पोजिशन सेट हो जाती है। अब जैसे उसी ये तो हो गया अपना कॉर्नर की बात, अब जैसे अपना हुआ सेंटर में कॉलम आ गया था तो सेंटर में अपन ने जो अभी देखा ये देखा सेंटर में अपनी इसी तरीके से लाइन आ गई, उसमें अपन ने ऊपर से सावल गिराया,
उसके बाद उसका सेंटर पॉइंट बन गया, वहीं पे सेंटर रिंग रख दो उसी साइज में अपनी, जिससे इस तरीके में दिख रही है आपको, एक ये रिंग दिख रही है, इसी रिंग के ऊपर अपना कालम आ जाता है जैसे ये देख रहे हो आप। सो अपना कालम पूरा स्ट्रेट हो जाता है। इसी प्रकार इसकी फुटिंग हो गई है। अब जैसे प्लॉट, अदर प्लॉट है साइड में, तो अपन क्या करते हैं कि साइड में फुटिंग अपनी पास वाले प्लॉट में नहीं आई, इसलिए फुटिंग को उधर से अपना फेट रखते हुए अपने प्लॉट की अपन तरफ इसको फुटिंग कर लेते हैं, ताकि क्या है भविष्य में जैसे उनका पास में प्लॉट उनका काम हो तो वो जेसीपी या कुछ खोदे तो अपनी फुटिंग उनके साथ मिक्स ना हो या अपने नुकसान नहीं हो, इसलिए अपन इस तरीके से करते हैं। सो उसके बाद फिर अपन आते हैं सारे उसमें, जैसे अपन ने देख लिया ये फुटिंग वगैरह हो गई है, फिर अपन इसमें अपना जो गारा है, अपन जो एक्सटेंशन करके जो अपनी मिट्टी निकली हुई है वो मिट्टी अपन डालते हैं, लेकिन एक बार में अपन इसको पूरा नहीं डालते हुए, अपन इसको दो से तीन बार में आधा आधा करके डालते हैं, जिससे पानी पूरा वाटर एब्जॉर्ब करके वो पूरा सेट हो जाए और उनकी जो सॉइल है वो पूरा एब्जॉर्ब करके पूरा इकट्ठी हो जाए। उसके बाद फिर अपन आते हैं नेक्स्ट, वाटर टैंक और सेफ्टी टैंक। सेफ्टी टैंक पहले के ज़माने में ऐसे है कि पहले क्या करते थे, नीचे से ये पोला रख देते थे जिससे पानी इनका ज़मीन में रिसता जाए। सो पहले नालियों की बहुत समस्या थी गांव के, किधर क्या छोड़ना है, तो वो क्या है उस नीचे से कच्चा छोड़ दें, लेकिन आजकल सब तरीके से ड्रेनेज वेनेज सब जगह बन गई है, तो इसलिए आजकल हम नीचे से पूरा इसको पक्का करते हैं, ताकि जैसे नीचे अपन रखते हैं तो सॉइल क्या होता है धीरे धीरे पानी जाता है ज़मीन में, उसके बाद फिर क्या धीरे धीरे सॉइल बैठती है। अब सॉइल बैठती है तो अब सीधी सी बात है ज़मीन बैठेगी तो कॉलम बीम हल्का सा डिफ्लेक्शन आएगा, और वो डिफ्लेक्शन से क्या है कि दीवार में क्रैक्स वगैरह ये आते हैं। सो आजकल अपन इसको नीचे से पूरा पैक करके सेफ्टी टैंक ओवर फ्लो वाला बनाने लग गए, और वाटर टैंक भी सेम नीचे से पूरा पैक करके। और अपन ने इसमें देखा है जो आप देख रहे हो ये ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें घर नहीं बना सकते अपन, क्योंकि इसकी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये फूलती है। अब ये क्या है कि गर्मी के दिनों में पूरी वो होती है, तो उससे कारण क्या है अपना पूरा इस पे IS कोड के हिसाब से भी अपना सॉइल को में अपन मकान नहीं बना सकते हैं, इसके लिए अपने को इससे ज़्यादा खुदाई करना पड़ती है। तो आप देख रहे हैं पीली मुरम तक अपन ने इसका एक्सक्वेशन करा है जो 7 फीट के समथिंग है, 7 से 7.5 फीट की इसकी गहराई गई है अपनी जो साइड पे अपन ने किया था काम। तो अपन ने इसको ब्लैक कॉटन सॉइल को अपन ने इसको हटा के मतलब वो नीचे तक अपन ने इसकी खुदाई करी, ताकि अपना कंस्ट्रक्शन इन फ्यूचर अपना स्ट्रक्चर बैठे ना, ठीक है। इस चीज़ों को अपने को ध्यान रखना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों को, ताकि इन फ्यूचर में जब क्रेक आए तो अपने को कुछ पता नहीं चल पाता कि इन कारणों से आ रहा है। देन फिर अपना आता है ड्रेनेज लाइन पाइप लाइन। अब अपना प्लिंथ लेवल पर आ गए, अब उस पर अपना ड्रेनेज लाइन पाइप डालना। अब ये अपन पाइप जो डाल रहे हैं ये डाल दिए, उसके बाद फिर क्या है बहुत सारी जगहों पे अपन ने देखा है कि उस पर सिर्फ मुरम डाल देते हैं, उसको पूरे तरीके से प्रॉपर फील नहीं करते हैं। तो अपन जो देख रहे हैं इसमें तो इसको क्या है कि पूरी तरीके से फील करना पड़ता है, जैसे आप ये देख रहे हो इस फोटो में कालम की तरह अपन ने इसको बना रखा है पूरा, ये फील कर रखा है, ये देख रहे हो ये इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या कालम ड्रेनेज पाइप डालने का उसको पूरा अपने को कवरिंग करना पड़ता है। और ये देख रहे हो आप दो, जिसमें एक गैस पाइप और ऊपर के लिए अपन ने वाटर वेस्ट वाटर के लिए अपन ने जो पाइप डाला, तो ये भी क्या अपन दीवार के सेंटर में ही ले लेते हैं, ताकि क्या है कि अपनी जो दीवार बनेगी ना तो उसके साथ कालम ये पाइप भी है ना अपना कालम का काम करेगा, इसके अंदर ही पूरा पैक हो जाएगा, तो क्या है पाइप बाहर रहेंगे नहीं और फूटने टूटने का डर रहेगा नहीं। सो ये हर चीज़ जो अपने को ध्यान रखना पड़ता है साइड पे जब अपन काम करवाते हैं। तो देन नेक्स्ट आती है अपनी फीलिंग मुरम, जब अपनी मुरम अपन पूरे प्लॉट में कर देते हैं, उसके बाद फिर ये आप देख रहे हो जो ये वाइब्रेटर की सहायता से अपन इसको पूरी कुटाई करते हैं, ताकि क्या है कि जैसे टाइल्स के टाइम अपने टाइल्स बैठे ना इन, अदर क्या होता है कि जैसे कुछ जगह पे नील चलाते हैं ना तो उसके बाद फिर अपना क्या है कि कुछ टाइम बाद उनके टाइल्स और नीचे बैठने लग जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है अपने को। वाइब्रेटर उसमें ज़रूर चलाना पड़ता है, पानी अच्छे से पिलाना पड़ता है, क्यूरिंग अच्छे से करना पड़ती है, कुर्सी हाइट होने के पहले कम से कम 2 से 3 बार
अच्छा इसको पूरा कुछ शेड में जितनी भी अपन ने मुरम डाली है पूरा पानी से बैठा के इसको वाइब्रेटर को चला दो ताकि पूरा ठोस हो जाए सरफेस। देन नेक्स्ट अपन उसके बाद फिर इसमें अपन एक पॉलीथीन बिछा देते हैं ताकि नीचे अपना जो रेसा है मेन कंक्रीट करते हैं अपन स्लैब कास्ट करते हैं तो अपना रेसा नीचे की साइड नहीं जाए इसलिए अपन इसमें पॉलीथीन बिछा देते हैं। देन कंप्लीट छत वत भरा जाती है। उसके बाद फिर अपना क्या आता है नेक्स्ट लेवल आता है अपना अकॉर्डिंग टू प्लान लेआउट चेक ऑन साइट। जो अपन ने प्लाट दे रखा है प्लाट बना रखा है अपना प्लान जो है प्लान के अकॉर्डिंग अपना सेंटर लाइन जो होती है वो बहुत ज़रूरी देखना क्या है कि जैसे अपन ने जो दीवार दी है अब इसी प्रकार से आप देख रहे हो एक एक रद्दे जो लगते हैं तो उस टाइम क्या चेक हो जाता है अपना प्लान के अकॉर्डिंग कि अपना लेट बात ले रखी है तो सेम वो कि वो साइज है कि नहीं है। रूम दे रखा है अपन ने तो अपने रूम की साइज 10x10 फीट 8 इंच आ रही है कि नहीं आ रही है। हॉल दे रखा है तो हॉल की 12 फीट लेंथ आ रही कि नहीं आ रही है। किचन लेट बात इसी प्रकार से अपन पूरा एक बार मेजरमेंट पूरा चेक कर लेते हैं कि हाँ अपन ने जो कॉलम बीम दिए हैं वो पोजीशन भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल से अपना हॉल में बीच में कॉलम आ गया और प्लान पे दिखा रहा है साइड पे बैठ नहीं पा रहा है तो इन सब चीज़ों का बहुत डीप तरीके से अपने को अंतन करना पड़ता है। सो इसके बाद फिर आ जाता है अपने लिंटल हाइट। लिंटल हाइट होने पे क्या है कि एक अपन ने 3 फीट पे अपन ने लिंटल दे रखा है और एक 7 फीट पे दे रखा है। 3 फीट पे अपना जो लिंटल दे रखा है उससे क्या होता है कि दीवार में मजबूती अच्छी तरीके से आ जाती है। और अपन लिंटल देते हैं तो खास अधिकतर साइड ऑन पे देखा है कि वो सिर्फ एक सरिया लगा देते हैं और लिंटल का काम पूरा कर देते हैं लेकिन वो गलत है। ये देख रहे हो आप इस वीडियो में ये जो दे रखे अपन ने दो सरिये लगा के कट रिंग हाफ रिंग बोलते हैं इसको कट रिंग करके लगाना पड़ती है ताकि क्या है इससे बराबर स्ट्रेंथ मिल पाए अपने को। ठीक है नेक्स्ट स्टेप आ जाती है अपनी छत हाइट हो जाती है। उसके बाद फिर अपना स्लैब कास्ट करने के लिए अपने को छत भर जाती है। उसके बाद फिर क्या है अपने को तराफे वराफे ठोकने के बाद फिर अपने को स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है। अब जो देख रहे हो स्टील मेनली क्या होता है जब आपका चढ़ाव वाला जंक्शन होता है जो स्टेयर पोर्च वाला जंक्शन होता है उसमें आप 10x10 की स्टील यूज़ करना चाहिए। उसमें क्या होता है अधिकतर कि कुछ चढ़ाव वाला भाग कट ऑफ हो जाता है जैसे आप देख रहे हो इस प्लान में ये चढ़ाव वाला आप कट ऑफ हो गया तो अपन ने इसमें एक कोड बीम दे रखा है 12x6 सरिये का जो देख रहे हो आप। तो इससे क्या है कि जो कट ऑफ रहता है अपना चढ़ाव का जो आधा पोजीशन हैंग रहता है तो उसमें इस बीम का बहुत मेन काम होता है। जो अपने इन आपने देखा होगा कभी कभी छत झूल जाती है तो वो केस नहीं होता इस लाइन में इसलिए अपने को एक सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद फिर मेन एक्स्ट्रा सरिये पर उनका भी ध्यान रखना पड़ता है सब चीज़ों का इसमें बराबर ध्यान रखना पड़ता है। देन फिर लाइट के पॉइंट हो गए अपने इलेक्ट्रिक के वो ड्राइंग के हिसाब से देख लो। देन फिर छत भराने के बाद फिर अपना मेन आता है फीचर्स सिनेट्री का। उसके बाद छत खुलने के बाद अब वो ऐसा रहता है गर्मी के दिनों में अलग और ठंड के बारिश के दिनों में अलग। गर्मी के दिनों में अपन खोल लेते हैं छत 15 से 16 दिन में पक जाती है छत आराम से और कुछ नमी के कारण बारिश होने और ठंड के टाइम इसमें अपने को रखना पड़ती है कम से कम 20 से 21 दिन। सो उसके बाद खुलने के बाद फिर अपने को आते हैं सिनेट्री फिटिंग करवाना पड़ती है इलेक्ट्रिक झीरी वीरी होती है। सो अपन ये देख रहे हैं डाइवर्टर के पॉइंट लगा दिए अपन ने सिनेट्री के सारे हो गए हैं इलेक्ट्रिक के हो गए हैं। देन फिर उसके बाद होता है प्लास्टर का काम। सो प्लास्टर चल रहा है प्लास्टर पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर अपन आते हैं प्लास्टरिंग ख़त्म होता है उसके बाद फिर अपना आता है टाइल्स का वर्क काम। टाइल्स लगा दो प्लास्टर के बाद कोई दिक्कत नहीं है अपने को टाइल्स लगा दो। टाइल्स लगने के बाद अपन इसमें आप कर सकते हो टाइल्स के बाद एक डबल हाथ पुट्टी करवा सकते हो पूरे मकान में। उसके बाद फिर क्या है पुट्टी करवाने के बाद फिर लाइटिंग के वायरिंग खिंचवा दो ताकि कुछ कभी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग सिपेयरिंग हो। अब वायरिंग में क्या होता है अधिकतर कुछ कुछ पॉइंट इनके दब जाते हैं तो वायरिंग पहले करवाने से अपने को ये बेनिफिट मिलता है कि वो पॉइंट ऑन जो दब जाते हैं तो वो जब फिटिंग वाला फोड़ता है तो कुछ रिपेयरिंग सिपेयरिंग निकाल देता है। वो क्या है जब मेन कलर हो जाए तो उसका फिर अपन वायरिंग प्लेट लगाओ तो उसमें ज़्यादा नुकसान होता है फिर रिपेयरिंग अलग ही दिखती है। सो अपन कलर
फाइनल टच होने के पहले वायरिंग और प्लेट पूरी तरीके से लगवा लो। देन उसके बाद फिर अपना आता है लाइट इंस्टॉलेशन, हो गया, टाइल्स भी हो गई। देन फिर पूरा कंप्लीट अदर फिर काम हो ही जाता है अपना मेनली। तो उसके बाद फिर डोर फिटिंग करवा दो आप, टाइल्स के टाइम डोर करवा सकते हो, विंडो करवा सकते हो, फैब्रिकेशन का काम करवा दो। देन फिर कलर फाइनल टच हो जाए आपका, फिर आप अदर हाउस अपने आप हाउस को पूरा वास फिनिशिंग करवा दो, फिर रेलिंग लगवा लो। इसी तरीके से अपना पूरा काम हो जाता है। सो आपने ये देखा अपना 20x50 का प्लान अपन ने कैसे पूरी तरीके से आपको शेयर करा, और पूरा अपन ने उसकी सारी पिक्चर शुरू से लेके लास्ट तक अपन ने आपको से दिखाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल द सिविल इंजीनियर हाउस प्लान एंड डिज़ाइन। फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट अस 999-333-295, ईमेल rahulsisodia2333-94@gmail.com। थैंक्स गाइज़।